क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी हम इस समय हिमाचल प्रदेश की एक खूबसूरत सी जगह पर हैं जिसका नाम खजियार है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर आप देख सकते हो, इस समय यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है जो कि नाग देवता के ऊपर मनाया जाता है। यहाँ पर लगभग अभी ही लोकल हिमाचल से, स्पेशली चंबा के आसपास के जितने भी गाँव हैं, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आउट मीन्स स्टेट से भी लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे देखने को दिख रही है कि जो इसकी खूबसूरती है, इस खूबसूरती का आनंद सब लेने आते हैं, ले रहे हैं, लेकिन इस खूबसूरती में दाग और गंदगी फैलाने का काम मैं देख रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग, जो सबसे ज़्यादा सक्षम और शिक्षित लोग दिख रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा खाने के बाद, चाहे वो कुरकुरे हो चाहे कुछ भी हो, वो फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि हम जानते हैं कि हमारे पूरे देश में इस समय, स्पेशली अगर आप देखो ना, यहाँ पर और जगह जगह पर बॉटल्स, इवन रैपर्स और इस तरीके के लोग इस्तेमाल करके तुरंत फेंक रहे हैं। पूरे देश में स्वच्छता अभियान को लेकर मुहिम चली हुई है, उसके बावजूद लोग इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही दर्दनाक। शायद यही सही समय है जब सोशल मीडिया पर पड़े अनेक वीडियोस के कथनों को करनी में बदला जाए। तो इसके लिए मैं खुद से शुरुआत कर औरों को प्रेरित करने का प्रयास करने जा रहा हूं। जब कारवां ना बढ़ा तो मैं लोगों की तरफ बढ़ा और सफाई जारी रखी, यह सोचकर कि शायद कुछ और लोग आगे आए। पर निराशा हाथ लगी। जब अकेले बात ना बनी तो फिर एक नई उम्मीद के साथ हम सब दोस्त एक साथ मैदान में उतरे, ताकि हमारी हरकतों को देखकर और लोग जुड़ें। तकरीबन 20 मिनट होने को थे और लोगों के कान में जू तक ना रेंगी। इस दौरान एक परिवार हमें कुछ इस कदर देख रहा था मानो बौरे गांव ऊंट आया हो। हमें लगा शायद वो मदद करना चाहते हैं पर कतरा रहे हैं, तो हम उनके और करीब जाकर गंदगी साफ करने लगे ताकि उनकी हिम्मत बढ़ सके। पर नजारा इसके विपरीत और वो वहां से मुंह फेर कर चल दिए। उस पल हम समझ ना पाए कि हम गलती कर रहे हैं या वो। तभी हमारी नजर स्कूल से आए कुछ बच्चों पर पड़ी। गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए ये लड़कियां यहाँ घूमने आई हैं। ये गुच्छे में अलग अलग लगभग चारों तरफ बातें कर रही हैं। हमें लगा इनकी संख्या लगभग 15-20 तो होगी ही, तो क्यों ना इनके टीचर से बात की जाए। और बात करते समय हमें दिखा हम कितने गलत थे। यहाँ 10-20 नहीं बल्कि पूरी की पूरी फौज थी। ये बच्चे चारों तरफ फैले थे। फिर क्या, कारवां शुरू हो गया। बच्चे हमसे बात करने को उत्साहित व ऊर्जा से भरे थे। और फिर आप गाना शुरू होएगा और आपको वैसे ही करना है जैसा हम करेंगे, ठीक है? बोलो 1 2 3 लंबी दाढ़ी वाले बाबा, लंबी दाढ़ी वाले बाबा, लंबी दाढ़ी वाले बाबा, लंबी दाढ़ी वाले बाबा, ऐसी खीर पकाएंगे, ऐसी खीर पकाएंगे, पेट भर के खाएंगे। जाएंगे जब हाथ भर जाएंगे तो हम स्टॉप सब रुक जाएंगे और फिर एक जगह पूरा का पूरा अपना एक इकट्ठा कर देंगे, समझ गए?
एक अपने आप में इसकी चार्म है, एक अपनी विशेषता है यहाँ की। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा ये काफी मतलब निराश कर रहा है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इतने पढ़े लिखे सब लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक भी यूं फेंक दिया और टॉक शेयर करते हैं, कंडीशन शेयर करते हैं, और यहाँ तक कि वो शॉर्ट फिल्म बनती है जो, और उसमें दिखाते हैं कि वो 10 मिनट स्वच्छता के लिए दीजिए। सर मुझे तो साफ लगता है कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि हम खुद साफ करते हैं। जब हमने चार लोगों ने पांच लोगों ने साफ करना शुरू किया, ट्रस्ट मी कोई भी हमारे साथ नहीं आया और हमने कुछ ढेर बनाया। लेकिन फिर मुझे दिखे कि ढेर सारे बच्चे हैं, हमें नहीं पता ये किस स्कूल से हैं, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि बच्चे ही सिर्फ तीन लोग इस दुनिया में, तीन लोग इस भारत में अगर कोई बदल सकता है इस दुनिया की सूरत, इस भारत की सूरत, तो वो तीन लोग हैं, बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स। बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स, ट्रस्ट मी दिस इज द ट्राइपॉड हु कैन चेंज द होल प्लैनेट। ये आप अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो ये इतने इतने इनोसेंट हैं, बिल्कुल बनावटी नहीं है, जो भी है वो रियल है। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा इनके साथ, क्योंकि इनको अप्रिशिएट। कालिका विद्यालय महिला वार्डन हूँ, मेरे पास गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 100 छात्राएं रहती हैं, और इनको हम आज यहाँ पर इनको यहाँ लेके आए थे पिकनिक के लिए, पिकनिक के लिए। हाँ जी, तो ये हॉस्टल में आपके पास? हॉस्टल है। ठीक है जी, और एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं ये बच्चे? एक स्कूल में। वेरी गुड सर। ये डिस्कशन कर रहे थे, मैं अपने बच्चों को बता रही थी, मेरे का जितना भी कूड़ा है आप अलग से रखो, और जितना फैला हुआ है बीच में, ये भगवान ने इनको भेजा जो हमारे हाथ लगवा दिए। हाँ जी, क्या सफाई इस देश को गंदगी से मुक्त करना, ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का काम है? काम है क्या? ये उन्हीं का जिम्मा है क्या? क्या 125 करोड़ देशवासियों का कोई दायित्व नहीं है? हम हर बात उन्हीं पर थोपते रहेंगे क्या? अगर कुछ अच्छा हुआ, बुरा हुआ तो उन्हीं को कोसते रहेंगे क्या? ये स्थिति बदलनी है।